नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के समग्र विकास राज्य मंत्री राकेश सिंह राठौर श्रावस्ती पहुंचे हैं। राज्य मंत्री ने बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे के साथ पदाधिकारियों और डीएमएसपी के स्वागत किया है। साथ ही बता दें कि राज्य मंत्री का पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वही पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन पहुंचे राज्य मंत्री। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है। जिलाधिकारी आर्या अखौड़ी ने बता दें कि सीएचसी सेंधपुर का स्थलीय निरीक्षण किया है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला वार्ड, ऑक्सीमिक कक्ष और साथ ही ओपीडी, दवा घर और अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। महिला वार्ड के सीलन लगे और साथ ही वाम मशीन खराब होने से उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सही कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने वार्ड के भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए अस्पताल में साफ सफाई और रंगाई पुताई के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस मौके पर संजीव कुमार अधीक्षक ने सारी जानकारी दी है। ये निरीक्षण कमियां ढूंढने के लिए नहीं होता है, व्यवस्था देखने के लिए होता है। वैसे व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि जो भी पेशेंट अगर सर्जरी हुआ है उसका, तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन की जाए, जो कि नहीं की जा रही। तो जो अटेंडिंग डॉक्टर थे उनको बताया कि उसकी जो ट्रीटमेंट हुई है उसका बेड हिस्ट्री टिकट बनाए या रजिस्टर पे उसको दर्ज करें, ताकि हर शिफ्ट में आने वाला जो स्टाफ है वो जान सके कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया है। उन्नाव के गंगाघाट नगर पालिका का निरीक्षण करने पहुंचे उपजिलाधिकारी नूपुर गोयल ने पालिका के कई पलकों पर सरकारी दस्तावेजों की जांच की है। उनमें तमाम खामियां मिलने पर उपजिलाधिकारी ने पालिका के बबुओं को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत नगर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें कूड़ा उठाने और 4 लीटर और साथ ही 3 ई-रिक्शा भी शामिल है। साथ ही बता दें कि जिसमें 14 कूड़ा उठाने वाली मैजिक लोल्डर और साथ ही 3 ट्रैक्टर और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में 12 वार्डों में कूड़ा कलेक्शन करती है और 1 सभी वार्डों में माला फूल उठाने का काम करती है और 1 लोडर मवेशियों की मौत को लेकर चलाई जा रही है। और साथ ही गंगाघाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया है कि नहीं गाड़ियाँ खरीदी गई है और जिसमें डोर टू डोर गाड़ियां जो है कूड़ा उठाएगी, जिसमें बेहतर स्वच्छता अभियान के तहत नगर को स्वच्छ बनाया जा सके। जो साहब आज कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दी गई, उसके बाद वृक्षारोपण किया गया, इस तरह का कार्यक्रम रहा है। जो कूड़ा गाड़ी नहीं हमारी खरीदी गई है डोर टू कलेक्शन के लिए, वो आज हमारे प्रशासक महोदया द्वारा उसको हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। सभी वार्डो में हमारा डोर टू कलेक्शन चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी नई गाड़ी कुछ खरीदी गई है कि अच्छे से कलेक्शन किया जा सके। संभल जिले में पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। मंगलवार को एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 गौ तस्करों को गोली मारकर गिरफ्तार किया है। वहीं गौ तस्करों की गोली से 1 सिपाही भी जख्मी हुआ है। गौ तस्करों के 3 साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से 1 लग्जरी कार, अवैध शस्त्र और साथ ही 1 जीवित गौवंश पशु को बरामद कर लिया है। क्षेत्र में यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला? आज सुबह ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गौकशी की घटनाएं इनके ग्रुप के द्वारा की गई थी, तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। इनके जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई।
अलीगढ़ में जिला कारागार में बंद बंदियों ने आपको बता दें कि चार दीवारी के अंदर बैठकर अपने हाथ का अनोखा हुनर दिखाया है। इस हुनर की लोग भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जेल में बंद बंदियों द्वारा लकड़ी के शंख, लकड़ी के शिवलिंग और लकड़ी के ही गद्दा और साथ ही सुंदर सुंदर और भी तमाम चीजें बनाई गई है, जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद से जेल प्रशासन ने अलीगढ़ औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी में जेल में बंद बंदे बंदियों के द्वारा बनाए गए तमाम उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी में लोग जेल के बंदियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग जेल में बंद बंदियों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इन उपकरणों को बेचने के बाद जेल प्रशासन उन्हीं बंदियों को पैसे देगा और साथ ही जिन्होंने इन्हें बनाकर तैयार किया है। जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध बंदियों के माध्यम से जो सामग्री निर्मित हो रही है, अलीगढ़ में जनपद में जो नुमाइश लगती है, उस नुमाइश में इस प्रकार की प्रदर्शनी के रूप में एक स्टॉल लगाया गया है। उस स्टॉल में बंदियों के माध्यम से जो निर्मित सामग्रियां हैं उसकी क्रय विक्रय हेतु और साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष ऑर्डर भी जो प्राप्त हो सकते हैं, ऑर्डर के माध्यम से भी जनता के लोगों को वो चीज़ें पहुँचाई जा सके और साथ ही साथ बंदियों में एक सकारात्मक छवि जनता के बीच में बने और उनके बीच में एक मनोबल उनका बढ़े कि ताकि एक सकारात्मक छवि कारागार की बेहतर बन सके और बंदी के सुधारात्मक रूप से कुछ ना कुछ जो हमारा उद्देश्य है सुधारात्मक वो हमें परिपूर्ण हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी सिंह है। खुशी, कहाँ आई है और कैसा महसूस कर रही है, क्या कहेंगे आप? सर, हम नुमाइश आए हैं और हम बहुत लंबे समय से नुमाइश आ रहे थे, तो हमने इतनी बार आए हैं तो हमने इस बार आए हैं तो हमने ये देखा यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव था, तो मैं इधर की साइड आई थी देखना, तो मैंने देखा जो भी जेल में ये लोग रहते हैं और जेल में जो लोग रहते हैं उन्होंने ये सब क्रिएटिविटी करी है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सारी चीज़ें ऐसे हम लेते हैं पर जो ये वाली चीज़ है ना, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जेल के कैदियों की मदद तो कर सकते नहीं है, तो हमने सोचा कि हम इन सब चीज़ों को लेके उनकी मदद कर सकते हैं ना। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के बुद्धिपूर्वा बेदौड़ा में अज्ञात कारणों से विधवा महिला की जमकर पिटाई की गई है। दरअसल विपक्षी के परिजनों ने विधवा महिला को जमकर पीटा है। वहीं सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस के आनन-फानन के घायल महिला को CHC इकोना पहुंचाया है। सुभाष मरण, राम कुमार मरण, उनके महतारी बेटियों दीदी ने मरण के महारे कहे लिए हम खड़ी रहे, हमारा आदमी खत्म हो गया, सब खड़ी हम बस उठ सब मारे ने कोनो बात नहीं रहा, कोनो झगड़ा नहीं रहा, कोनो हमसे घर से लग झगड़ा रहा और ये लोग हुए के जमा रहे थे ता के हुए हमारा ससुर हुआ। संभल जिले में अवैध खनन का बड़ा खेल चल रहा है। बता दें आपको कि सुबह से रात तक सड़क पर दौड़ रहे मिट्टी लदे डंपर, हजारों की तादाद में डंपर से भूमि का पटा जा रहा है और साथ ही वही सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है खनन माफियाओं के द्वारा। अमरोहा जिले के परमेश्वर की आड़ में जिले की सीमावर्ती इलाकों में खनन किया जा रहा है। वही संभल जिले के प्रशासन अवैध खनन के नाम पर सीधे चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है। यूपी के पीलीभीत जनपद में बाल कटवाने जा रहे साइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक कार, बता दें कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे CHC में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने घायल को भर्ती कर लिया है और वहीं दूसरे को मृत घोषित कर दिया। दरअसल थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव रामपुरा फकीरे निवासी कमलेश मजदूरी करता है। सोमवार को कमलेश गांव के ही राकेश के साथ साइकिल पर पड़ोस के गांव नवादिया धनेश से
धनेश में हेयर कटिंग के लिए जा रहा था। जैसे ही दोनों साइकिल से पूरनपुर कलीन नगर रोड पर पहुंचे, तभी पूरनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल की सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें साइकिल में टक्कर मारने के बाद से अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े पेड़ में जा टकराई और कमलेश और राकेश को उपचार के लिए पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया। यूपी के पीलीभीत जनपद में गोबर डालने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है, जिसके चलते दबंग ने गर्भवती महिला पर बाके से हमला कर घायल कर दिया। वहीं बीचों बीच कराई गई, बता दें कि बीचों बीच कराने आई जेठानी पर भी बाके से हमला कर उन्हें घायल किया गया है। अनफानन में दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से CHC भर्ती कराया गया, जहाँ पर 7 महीने की गर्भवती महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दरअसल मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव मुजफ्फरपुर का है, जहां पर रानी देवी पत्नी रामपाल और साथ ही उसकी जेठानी महेश्वरा देवी, बता दें कि रामचंद्र घर पर थी और इस दौरान गोबर डालने को लेकर महिला की सास से गांव के ही रहने वाले ईश्वर दयाल से विवाद हो गया था, जिसके चलते दबंग ने अपनी गोट से बांका निकालकर 7 महीने की गर्भवती महिला रानी देवी को बांका मारकर घायल कर दिया था। महेशा देवी, महेशा देवी क्या हुआ आज? वजह था हमारे लोगों ने बातचीत होते रहे, तभी उन्हें उठा उन्हें गोट में दम का मारी ही दो। किसने? उसे दयाल। क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों? अभी तक बातचीत थी, मेरे साथ उसे गोबर लगे हुए कई तरह से बातचीत होने लगे। गांव के रहने वाला है? हाँ, गाँव के रहने वाला है। अच्छा, उस दौरान आप लोगों के पति कहाँ थे? हाँ, मार तो आपके पति कहाँ थे? हमारे तो उनका पति था, सब जगह बैठा रहे, धंधा छोड़ गए वो घर ही, वो बातों धमका ही है गुस्सा वगैरह मार तो। यूपी के पहले भी जनपद में शादी का कार्ड बांटे जा रहे बाइक सवार चाचा भतीजे की चार पहिया वाहन से जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार चाचा सवार की मौत हो गई, वहीं भतीजा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं भतीजे को CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ हालत गंभीर बताई जा रही है। पीलीभीत जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। घटना की सूचना परिजनों को मिलने के बाद से परिवार में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई है, कोहराम मचा हुआ है। थाना बिसरपुर क्षेत्र में कमला चरण नाम के व्यक्ति जो अपने भतीजे अतुल के साथ में शादी कार्ड बांटने जा रहे थे, ये ग्राम सखिया धीरे कला के रहने वाले हैं। ये मोटरसाइकिल से थे, सामने से वैगनार के आने से इनकी टक्कर हो गई, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई कमला चरण की। इनका भतीजे अतुल घायल है, जिसको बरेली रेफर किया गया है, और इनकी जो है कमला चरण को उनको मौसरी भेजा गया है। मैनपुरी से है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई है, जिसमें बता दें कि पूनम त्यागी की मौत हो गई है। वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से बताया जाए कि घायल हो गया है। सेफई PGI में चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि की है। बता दें कि जनपद फिरोजाबाद के नगला खंगर पर यह हादसा हुआ है। BJP सरकार भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का दावा करती है, सार्वजनिक मंचों से लगातार करती भी नजर आती है, लेकिन ऐसे भी माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है। बता दें कि सरकार ने इस दावे और कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ऐसा ही मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक परिवार अपने बच्चों और महिलाओं के साथ पूर्व BJP जिला अध्यक्ष पर अपनी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया और उन्हें न्याय के लिए फरियाद करते हुए नजर आया। अम्मा, क्या नाम है आपका? मां नाम है गायत्री सिंह। किस लिए आई हो यहाँ पर? अरे भैया,
2001 माह जौन है जमीन लीलामी में ले रहे हैं और हमारा आदमी बीमार रहा, हमारे जौन है बहुत दिक्कत परेशानी रही, हम बीमार रहे नहीं वो पे कुछ कर पाए। अब लड़का जौन बेरोजगार है जो पे दुकान दौरी करे चलत कि कुछ बनवावा जाए तो जौन है भाजपा के नेता बने घूमत है और पीछे से उनका सपोर्ट। अरे ये जौन है अहिर दिलीप यादव। बांदा के नरैनी तहसील अंतर्गत महुई गांव में बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके खेतों से रात में बालू माफिया बालू भरे ट्रैक्टर निकालते हैं। अवैध बालू भरे ट्रैक्टर निकालने से खेतों में बोई हुई फसल बर्बाद हो जाती है। वहीं पीड़िता ने कहा है कि पूर्व में SDM नरैनी और साथ ही स्थानीय पुलिस से भी माफियाओं की शिकायत कर चुकी है, लेकिन बालू माफियाओं पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। कानपुर में लगातार पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज हुए निराधार मुकदमा के बाद से पत्रकारों में एक दल ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पत्रकारों पर दर्ज हुए फर्जी FIR की जांच कराने की मांग की है। सदैव पत्रकार लोगों का हित करते रहते हैं और ऐसे ही कार्य करने वाली एकमात्र संस्था ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के बैनर तले आज सैकड़ों पत्रकार एकत्र हुए हैं और बता दें कि पत्रकारों ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराने को लेकर शिकायत की है। मुकदमा की विवेचनाओं में अक्सर दरोगाओं पर विवेचना करने पर रुपया लेने के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने पर इन आरोपियों को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे ही एक मामला जनपद झांसी के कोतवाली गरोठा में आज हुआ है, जहां पर एक गबन के आरोप में मुकदमे की विवेचना कर रहे हल्का इंचार्ज ने मुकदमावादी से 30,000 की मांग की है। आज वे दरोगा 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। मामला जनपद झांसी के गरोठा थाना में तैनात उप निरीक्षक ब्रिजेश सिंह का है। बताया जा रहा है कि ग्राम रमोरा निवासी छोटे निषाद ने मोती कटरा के पूर्व प्रधान के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। दरोगा ने छोटे को थाने के बाहर बुलाया, जैसे ही रिश्वत के 5,000 रुपए लेने लगा वो तभी से बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया है। घटना सारी हुई कि हमारा एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था सन 2012 में, मुकदमा संख्या था 33/12। 2012 से बराबर विवेचना चलती रही, जिसके पूर्व में जो उदयवान गौतम थाना प्रभारी थे उन्हें FIR लगा दी थी। पुनः न्यायालय में पेश हो गई थी, न्यायालय जब पेश हुई हमारी पत्रावली तो प्रोटेस्ट दाखिल करके हमने दोबारा FIR को निरस्त होकर के पुनः विवेचना हेतु यहाँ गौटा थाने पर फाइल आई। तो ब्रजेश कुमार जी हैं जो हमारे विवेचक थे और वो विवेचना कर रहे थे, आरोप पत्र भी सिद्ध हो गए हैं, मुलजमों को भी सब कम्प्लीट चार्जशीट हो गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।